अब हम यहाँ पर समरी और नोट मेकिंग देखेंगे हम यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे जो अभी तक आपने सीखे हैं और इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे हमारा सबसे पहला पॉइंट है बहुत सारी स्टडीज़ परफॉर्म की गई थी ताकि हम पता लगा सके कि प्लांट्स किस तरीके से एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो स्टडीज़ परफॉर्म की गई थी ये परफॉर्म की गई थी आइसोलेटेड सेल्स में जो प्लांट से लिए गए थे प्लांट टिश्यू में और प्लांट ऑर्गन्स में हमारा दूसरा पॉइंट है जो प्रोसेस है एब्जॉर्बन का उसे हम क्लियरली दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं जो हमारा सबसे पहला फेज है उसमें होता है एक रैपिड अपटेक ऑफ आयंस यानी जो आयंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं फ्री स्पेस या आउटर स्पेस में और इस फेज को हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक फेज जो पैसिव होता है जो हमारा दूसरा फेज होता है अपटेक का उसमें जो आयंस हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं इनर स्पेस में और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे या सिम्प्लास्ट ऑफ सेल्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो पैसिव मूवमेंट है आयंस का एपोप्लास्ट में वो होता है आयन चैनल्स की मदद से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो एज अ सेलेक्टिव पोर काम करते हैं हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें हमारा दूसरा पॉइंट है जो सिम प्लास में आयंस एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर उन्हें चाहिए होती है मेटाबॉलिक एनर्जी यानी हमें एटीपी खर्च करना होता है इसलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जो मूवमेंट है आयंस का उसे हम जनरली फ्लक्स बोलते हैं अगर आयन सेल के अंदर मूव कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है इनफ्लक्स और अगर सेल के बाहर मूव कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है ई फ्लक्स मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसलोकेट किया जाता है जाइलम के साथ ही जाइलम में जो वाटर मूव कर रहा है उसी के साथ साथ मिनरल सॉल्ट भी ट्रांसलोकेट होते हैं और इसमें मदद करता है हमारा ट्रांसपेरेशनल पुल हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो जाइलम सैप है जब हमने उसे स्टडी या एनालाइज किया तो हमें ये पता लगा कि उसमें मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट थे तो फाइनली इस एनालिसिस से हमें पता लगा कि जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है सॉल्यूट्स का वो जाइलम के थ्रू ही हो रहा है जिसमें वो वाटर के साथ मूव कर रहे हैं हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपने कॉपी में लिख लें ये कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस हैं, जो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। एनसीआरटी का क्वेश्चन नंबर सेवन एंड वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर टेन